आज की हमारी जर्नी बहुत स्पेशल होने वाली क्योंकि आज हम जा रहे हैं बाड़मेर से जैसलमेर। सो ये रही हमारी RSRTC बस। बाड़मेर से यहाँ मतलब जैसलमेर तक कनेक्ट करता है NH-68। आप सबका स्वागत है भारत की सुवर्ण नगरी जैसलमेर में। सो जय द्वारकाधीश। तो मैं हूँ फिलहाल अभी बाड़मेर बस स्टैंड पे। आप पीछे देख रहे होगे बाड़मेर बस स्टैंड। सो अभी टाइम हो रहा है 7:30 और आज की हमारी जर्नी बहुत स्पेशल होने वाली क्योंकि आज हम जा रहे हैं बाड़मेर से जैसलमेर। जी हाँ, तो आज हम सफ़र करने वाले हैं गोल्डन सिटी, मतलब बाड़मेर से गोल्डन सिटी, आप जैसलमेर कह लीजिए या फिर गोल्डन सिटी कह लीजिए। तो आज हम सफ़र कर रहे हैं RSRTC मतलब राजस्थान परिवहन की ऑर्डिनरी बस में। आपको पीछे दिख रही है, ये रही हमारी बस। तो बस मैं आपको बस का इंटीरियर दिखा देता हूँ बाहर से, रूट बोर्ड एक बार देख लेते हैं, देन ड्राइवर साहब से थोड़ी बातचीत भी करेंगे मे बी पॉसिबल होगा तो, और अंदर से इंटीरियर देख लेते हैं। ऑर्डिनरी बस है, इंटीरियर तो खैर फिलहाल बात छोड़िए, लेकिन फिर भी आपको एक बार टूर करा देता हूँ इंटीरियर, और देखते हैं कितने घंटे लगते हैं इस बस में हमको जैसलमेर पहुँचने में। और डिपार्चर टाइम है इस बस का 8:00, टोटल टायर राइट टाइम है डिपार्चर ऑफिशियली 8:00 यहाँ से निकल जाती है, और अप्रोक्सीमेटली हमको जैसलमेर 11 समथिंग पहुँचा देनी चाहिए। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट बसेस हमेशा मतलब टाइम पे नहीं होती, कुछ वॉल्वो या फिर लग्जरी बसेस टाइम पे होती, लेकिन ऑर्डिनरी बस पिकअप ड्रॉप ट्रैफिक की वजह से टाइम पे नहीं पहुंच पाती। तो 8:00 to 11:30 भी हो सकते हैं या फिर 11:00 भी पहुंच जाएंगे। देखते हैं कौन कौन से रूट हम कवर अप कर सकते हैं, कितने घंटे लगेगी, कितने मतलब कितने किलोमीटर से, कौन सा सफ़र है, कौन सा नेशनल हाईवे है, तो सब कुछ इस वीडियो में कवर अप करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट हमारी स्टाइल में। तो मैं हूँ आपके साथ, आप है मेरे साथ, और हम सब है आज RSRTC के साथ। तो चले शुरू करते हैं। सो ये रही हमारी RSRTC बस, जो आपको दिख रहा होगा बाहर का लुक है आपके, मतलब ये हो गया आपका जैसलमेर डिवीजन, यहाँ पे आपका रूट बोर्ड हो गया, यहाँ पे RSRTC का लोगो हो गया, यहाँ पे ये BS3 के वेरिएंट पे लुक है, ये बाहर का कुछ लुक है, इसको मारवाड़ एक्सप्रेस भी बोला जाता है इस बस को। यहाँ पे फिर से RSRTC का लोगो हो गया। चलिए अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर से एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये बाहर का कुछ लुक था, ब्लू लाइन भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ बैनर लगा हुआ है राजस्थान परिवहन मतलब RSRTC टूंक में। सो ये कुछ है अंदर का इंटीरियर, 47 सीट्स के साथ आती है, और ऑर्डिनरी सीट्स है मतलब कंफर्टेबल सीट्स है। यहाँ पे लगेज कंपार्टमेंट हो गया आपके, तो चलिए पीछे देख लेते एक बार। ये कुछ है पीछे का आपके लिए लुक। सो पीछे से बस ऐसे दिखती है, और देखिए। सो करते हैं जर्नी को स्टार्ट, डिपार्चर करते हैं। मैं आपको ऑफिशियली सब कुछ दिखा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ कि कौन से रूट से निकलेगी, कितना प्राइसिंग है, क्या नहीं क्या सब कुछ। सो हमने बस में बोर्ड कर लिया है। बस की बात करूँ तो ये चलती है सुबह 8:00, मतलब वैसे तो आपको जैसलमेर जाना है तो हर एक घंटे में आपको बसेस मिल जाएगी बाड़मेर से, या फिर कहीं से भी आपको जैसलमेर जाना RSRTC की बसेस मिल जाएगी। ये ऑर्डिनरी बस है, कंफर्टेबल सीट है। तो और बात करूँ, मैंने पे किया अराउंड 152, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने RSRTC की ऐप से बुक किया था। और टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो 158 किलोमीटर से यहाँ से जैसलमेर मतलब बाड़मेर से, और कुछ 3-3.5 घंटे लेती है जर्नी कवर अप करने में। तो देखते हैं, और रूट की बात करूँ तो रूट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ से बाड़मेर से सीव और फतेहगढ़ है, और देन लास्ट में हमारा जैसलमेर। तो गोल्डन सिटी हमको जाना है, देखते हैं कितने बजे अप्रोक्सीमेटली हम पहुँचेंगे, आपको एग्जैक्टली टाइम में वहाँ पहुँच के बताऊँगा। और बात करूँ हमारे हाईवे की, दोनों साइड डेजर्ट होगा और बीच में हमारा हाईवे होगा, तो जहाँ पे भी बस रुकेगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, मतलब कौन से स्टेशन पे रुकी। अभी एक्चुअली RSRTC में सेकेंड टाइम मेरी जर्नी है, फर्स्ट वाली जर्नी आपने नहीं देखी RSRTC मतलब जोधपुर से बाड़मेर वाली, वो मतलब 2-3 महीने पहले मैंने की थी। सो करते हैं ऑफिशियली डिपार्चर यहाँ से, और मिलता हूँ मे बी आपसे जल्दी, मुलाकात करता हूँ।
So, 9:10 हो रहा है, अभी हम पहुंचे शिव। ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 104 किलोमीटर है जैसलमेर, और आपने देखा आगे वाला है वो जो यहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप हो सकता है, यहाँ से पिकअप एंड ड्रॉप शिव है बस स्टैंड को। तो करते हैं यहाँ से दीपक, यहाँ पे भी 5 से 10 मिनट रुकती है, वहाँ नेक्स्ट हमारा होगा फतेहगढ़, वहाँ पे भी कुछ 5 से 10 मिनट रुकती थी चाय और वहीं पे कर सकते हो। कंटिन्यू करते हैं किसान के लिए तो फाइनली 9:50 हुआ और अभी हम पहुंचे फतेहगढ़। हाईवे पे गाड़ी खड़ी रहती है क्योंकि आप यूजुअली पता है कि राजस्थान में इतने सारे मतलब बस स्टेशन नहीं है, तो ये कुछ है हाईवे और इसके एग्जैक्टली मतलब बगल में खड़ी हमारी RSRTC ऑर्डिनरी बस। ये है NH 68 जो हमको मतलब बाड़मेर से यहाँ मतलब जैसलमेर तक कनेक्ट करता है। NH 68 यहाँ पे 5 मिनट गाड़ी खड़ी रहती है, तो आप यहाँ पे भी जो बोल सकते हैं आप चाय या फिर नाश्ता वास्ता मतलब 5 मिनट में आप क्या कर सकते हैं जो अपने हिसाब से ठीक लगे वो ले लीजिए मतलब उसमें एक्सप्रेस, और देन यहाँ से भी गाड़ी चल पड़ेगी। तो मिलता हो अभी नेक्स्ट, अभी लास्ट हमारा स्टॉप होगा
जैसलमेर, अप्रोक्सीमेटली यहाँ से कुछ 62 किलोमीटर है, तो करते हैं जर्नी कंटिन्यू टूवर्ड्स जैसलमेर के लिए। तो आप सबका स्वागत है भारत की सुवर्ण नगरी जैसलमेर में। तो मेरे पीछे देख सकते हैं अभी हम पहुंच गए हैं जैसलमेर बस स्टैंड। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसलमेर बस स्टैंड है। टाइम हो रहा है 11:15 अप्रोक्सीमेटली। हमने स्टार्ट की थी जर्नी बाड़मेर से सुबह 8 बजे, तो यहाँ पे अभी पहुँचे 11:15। तो अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए 3 घंटे और 15 मिनट समथिंग लगा। और टाइम पे ही हमारी गाड़ी है और बस स्टैंड मतलब बस स्टैंड के सामने ही आपको दिख जाएगा जैसलमेर फोर्ट। तो ऑपोजिट साइड में ही बस स्टैंड है, तो आपको इजीली जैसलमेर की सारी बस मिल जाएगी प्राइवेट। और मैंने देखा कि मतलब प्राइवेट के साथ साथ हमारी RSRTC भी मिल जाएगी। तो मैंने देखा कि बीच में ऐसी कई सारी प्राइवेट बसेस भी थी जो आपने मूवीज में देखी होगी, मैं आपको दिखा दूंगा वही। तो वो भी चलती है जैसलमेर के लिए। तो आप जैसलमेर में मतलब RSRTC में सफ़र नहीं करना चाहते तो उसमें भी आ सकते हैं, या फिर अपने पर्सनल व्हीकल लेके भी आ सकते हैं। इस बस की बात करूँ तो मैं टोटल रेटिंग दूंगा कंफर्टेबल में 10 out of 10, और ड्राइवर अन्ना जो थे मतलब दादा उनको भी 10 out of 10 दूंगा। और खाली जो मतलब जो बस है उस लुक के वाइज 10 out of 8 दूंगा। तो बस और बात करूँ, मैंने एक बात सीखी हमारे कंडक्टर साहब से कि राजस्थान में खम्मा घणी बोलते, तो आप सबको मेरे खम्मा घणी। और यहाँ से अभी बात करूँ, आप यहाँ पे आए तो जैसलमेर से घूमने लायक है। यहाँ से तनोट माता का मंदिर है जो यहीं से आपको बस मिल जाएगी तनोट माता की। देन वहाँ से आप लोंगेवाला भी जा सकते हैं बॉर्डर। और यहाँ से कुछ मतलब वो हंटेड प्लेस बोलते हैं फूल दरा, वो भी आप घूम सकते हैं। यहाँ पे जैसलमेर फोर्ट हो गया, डेजर्ट सफारी, आपका थार सफारी, बहुत सारा मतलब घूमने के लिए आप 2-3 दिन में पूरा जैसलमेर और आसपास के कई इलाके मतलब घूम सकते हैं। तो बस मैं बैक टू बैक आपके लिए ब्लॉग्स ला रहा हूँ, जर्नीज ला रहा हूँ। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए लास्ट में, क्योंकि मैंने देखा कि 100% में से 95 लोग सब्सक्राइब किया बिना ही देख रहे हैं। तो बस इतना ही था वीडियो में। अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट व्लॉग होगा मे बी
जो जैसलमेर से जोधपुर इन RSRTC बैक टू बैक फ्लोर ला रहा हूँ। अभी एक घंटे के बाद मेरी दूसरी यहाँ से ही बस है, तो उसका ब्लॉग इसके बाद आएगा। तो बस इतना ही था वीडियो में, फिर से मिलूंगा नई जर्नी के साथ, नए रूट के साथ। तब तक के लिए जय द्वारकाधीश।